अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि फरमाइए। वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी सिस्टर जी मौलाना, मेरा सवाल ये है कि कोई जहलम करती, छट्टी करती, ग्यारहवीं बारहवीं वल्लाहु आलम वो क्या क्या करती, वो घर पे खाना ला के देती, हमें इनकार किया तो बोलती है कि अल्लाह अल्लाह भेजे सो खाना खा लेना कर, कोई क्या लेना जाए से या नहीं। देखिए, ये मुख्तलिफ तरह के जो रस्म व रिवाज हैं किसी इंसान की वफात के बाद 14वीं 40वीं और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, इसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरासर बिदात है, इसके बिदात होने में किसी तरह का कोई शक और शुभा नहीं है। ये दीन के अंदर इजाफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। इस दीन के अंदर जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन का हिस्सा नहीं थी, अगर बाद में उसका इजाफा किया जा रहा है तो वो मर्दूद है, क्योंकि वो बिदात है। कुल्लु मुहदथतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन दलाला। हर दीन के अंदर हर नई चीज बिदात है और हर बिदात गुमराही है। तो ये बिदात है, खुराफात है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस मुनासबत पर उसमें शरीक होना, किसी तरह का कोई ताउन करना या जो है किसी तरह से करीब या बईद किसी तरह की भी शिरकत इसके अंदर जायज नहीं है। तो इस मुनासबत से अगर आपको कोई बुलाता है, उस मुनासबत से जो पकवान बनते हैं आपके पास भेजता है, तो आप उसको हरगिज भी कबूल मत कीजिए। कम से कम इतना इनकार का जज्बा हमारे अंदर पाया जाना चाहिए बिदात के तई कि हम जो है उससे बरात का इजहार कर रहे हैं। और ये कैसी बरात है कि वो जो पकवान बनते हैं उसे हम बाकायदा तनावल फरमाएं या हम उनके यहां जाकर के शरीक हो उसमें, ये तो इनकार नहीं है, ये कराहत नहीं है। तो बिदात के तई इतनी कराहत तो हमारे अंदर होनी चाहिए।